तो भाई समर सेलर में बिहाइंड द सीन का फोटो सामने निकल के आ चुका है, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं WWE से फैक्ट्री वाइड वीडियो लाता रहूँगा डेली। जैसा आप सभी को पता है कि भाई आप सभी ने देखा होगा कि समर स्लैम के बाद भाई सभी रेसलर बहुत ही शॉकिंग रह जाते हैं। तो इसमें इस फोटो में देखो जे ऊसो भाई आराम से खड़े हैं और उसके पीछे कैमरामैन भी है। तो इसमें ये दिखा रहे हैं कि भाई जे ऊसो को वो WWE को छोड़ के जाने वाले हैं। और इस पोस्टर में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि भाई ये सारे रेसलर वो हैं जो WWE को छोड़ के जा चुके हैं और इनकी कोई ज़रूरत नहीं है WWE में। तो आप सभी को पता होगा। तो उसके बाद देखो अपने जो सेथ रिकन रोलेंस ने जूते पहन रखे हैं भाई, हालांकि इनकी कीमत भाई कम से कम 80,000 रुपये है। तो भाई आपने सभी ने देखा होगा कि अपने इंडिया में भी भाई बहुत क्रेज चल रहा था कि 80,000 का शूज तेरा घर जाएगा, इसमें कोई वाला सीन है। तो इस बार इस फोटो में भाई आप देख सकते हो फिन बैलर को। भाई फिन बैलर ये सोच रहे हैं कि भाई WWE वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें ये ऐसा ही लग रहा है कि ये बस यही सोच रहे हैं। तो फिन बैलर के साथ भाई ये बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि फिन बैलर भाई वो रेसलर हैं जो रोमन रेंस से भी टफ रेसलर थे, तब जिन्होंने अपना WWE डेब्यू किया था। और उसके कुछ ही दिनों बाद ये यूनिवर्सल चैंपियन भी बन गए थे। इसलिए इस फोटो में आप सभी को दिख रहा होगा कि ट्रिपल एच बोल रहे हैं रोमन रेंस को कि भाई मैं तेरे को ज़्यादा दिन के लिए चैंपियन नहीं बना के रखाऊंगा, उसके बाद भाई तुझे टाइटल रिलीज करना पड़ेगा। तो इस बात को बोलते ही ट्रिपल एच ने रोमन रेंस के मुंह पर उदासी आ गई और वो सोच रहे हैं कि और जब टाइटल चले जाएगा तो अब मैं क्या करूँगा। तो इस फोटो में ऐसा ही लग रहा है मेरे को। तो इसके बाद अपना ये कैरियन क्रॉस की गर्लफ्रेंड है स्कारलेट भाई ये बहुत गजब लगती है। इसके बाद रिक बुग्स का ये फोटो आया भाई, ये काफ़ी कातिलाना फोटो है भाई रिक बुग्स का। इसके बैक देखो भाई, बैक कितने खतरनाक है। उसके बाद अपने एलेनाइट के बाद संग ये पहली बार नहीं हो रहा कि उसको पुश दिया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा WWE में भाई लोगों को पुश देते हैं रेसलरों को, उसके बाद अचानक से उनका पुश रोक देते हैं। तो वही सीन अभी एलेनाइट के पास हो रहा है, क्योंकि एलेनाइट को भाई इतना पुश दिया जा रहा है कि कुछ ज़्यादा ही करके। उसके बाद चैड केवल भाई सभी को सुस करने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद आपने देखो कॉडी रोड्स और मिज और ये कीड़ा आप सभी को पता होगा कीड़े ही है। तो उसके बाद भाई आपने सभी ने देखा होगा मिज भाई कोई कितना भी मैच हरा दें WWE वाले, फिर भी भाई मिज खुश रहते हैं। तो मिज जैसा करेक्टर भाई अभी तक WWE में कोई नहीं है, क्योंकि जो ये बंदा कितना भी। उसके बाद ओटिस को देखो, और उसकी भाई दो तीन साल में भाई तीन चार गर्लफ्रेंड हो गई, बताओ इस मोटू की, बताओ तीन चार गर्लफ्रेंड हो गई, यहाँ पर अपने भाई को एक भी नहीं मिल रही है, क्या वो जिंदगी तो वह बहन चे ऐसी इसकी, इसके ओटिस जैसी। उसके बाद रिक बुग का ये कोई दूसरा फोटो आया, इसमें ये अपने मसल्स दिखा रहे हैं, पर आप सभी को पता होगा WWE में मसल्स की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। उसके बाद फिन बैलर का ये दूसरा सेकंड फोटो आया है, इसमें भी यही सोच रहे हैं कि यार जजमेंट डे में क्या होने वाला आगे पता ही नहीं। उसके बाद ये गाड़ी का फोटो आया है भाई, ये कातलाना फोटो है इसका। अपने WWE में भाई इतनी खतरनाक गाड़ी लेके आते हैं भाई, बहुत गजब। आप सभी को बता दूं कि भाई WWE में इतना खतरनाक चीज़ लेके आते हैं भाई, सब देखते रह जाते हैं। उसके बाद अपना ये फोटो आया निकल के सोलो सकोवा का, आप सभी को पता होगा ये सभी रेसलर अपने लाइफ स्टाइल में आराम से पीछे जीते हैं, और ये रेसलमेनिया से पहले के फोटो हैं। और आपको बता दें कि भाई रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन भाई बहुत ही खुश रहते हैं, जितने वो ब्रॉक लेसनर के साथ रहते थे या नहीं रहते थे, कमेंट करके सभी साथ शेयर करें। उसके बाद अपना कोडी रोड्स का फोटो है भाई, ये अपने आईफोन के साथ घूम रहे हैं। उसके बाद अपना ओस्का भाई अपना मेकअप कैसे करती है पता नहीं है, ये अपने डेंजर वाले फेस के साथ रहती हैं। ये ओटिस का माल आ गया, पता ओटिस जितने मोटे हैं उनका माल इतना भी पतला है। उसके बाद आते हैं अपनी ऑस्टन थ्योरी, आप सभी को बता दूँगा ऑस्टन थ्योरी 26 ईयर के ओल्ड हो गए हैं, और ये भाई बंदा पता है सबसे कम उम्र वाला रेसलर है WWE में जो इतना आगे जा रहा है। उसके बाद ये ओस्का का फोटो है भाई, ओस्का कितनी डेंजर लग रही है, अपना मेकअप कैसे करती है पता नहीं, ये बंदी पता नहीं क्या है यार। ये रेसलमेनिया सॉरी समर स्लैम से पहले की फोटो है जो उन्होंने अपनी खिंचवाई थी। उसके बाद आते हैं अपने रिकुशे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं इस फोटो में, मेरे को तो यही लग रहा है। उसके बाद आती है अपनी शार्लेट फ्लेयर, पापा की परी भाई आप सभी को बता दूँगा ये गलती से नहीं जीत भाई WWE समर स्लैम में। और इनकी आपको बता दूं कि इन दोनों के इसका पति के साथ इनका ब्रेकअप हो चुका है, और शार्लेट फ्लेयर ने अभी तक भाई तीन शादी करने के बाद भी फिर भी भाई इनके पति इतने मशहूर रेसलर नहीं है जितनी कि भाई शार्लेट फ्लेयर है। तो इसलिए भाई आप सभी को बता दूं कि भाई शार्लेट फ्लेयर ने अभी तक 3 शादी कर ली हैं, उसके बाद ये 4थी शादी करने के लिए तैयार हैं। तो आपको इनके ऊपर क्या राय है कमेंट करके सभी साथ शेयर करना।
उसके बाद आते हैं अपने ओमोस और एमबीपी और एजे स्टाइल। भाई आप सभी को पता होगा कि ओमोस पहले एजे स्टाइल के लिए काम करते थे, अब वो एमबीपी के लिए काम कर रहे हैं। भाई मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ओमोस से भाई तेरी बीवी का क्या होता होगा, इतने बड़े हो आप क्या यार। उसके बाद आते हैं अपने सीमस अपने जो फाइट नाइट वाली टीम के साथ, भाई इस इन दोनों को साथ भी मिलाकर भाई सीमस के साथ बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद अपने ड्रू मैकिंटायर आते हैं, ड्रू मैकिंटायर अपनी पतलून को बांध रहे हैं भाई समरस्लैम से पहले, कुछ दिन पहले इनका फोटो आया था जब सीमस इनकी पतलून में झांक रहे थे। उसके बाद अपनी मामी का फोटो आता है डोम डोम के साथ, भाई जी डोम डोम मेरे साथ तो ऐसा लग रहा है कि ये अपनी इनका टीका पूजा पूजा कर रही है और उसके बाद इनका मुंडन किया जाएगा। आप सभी को बता दूं कि भाई रियल रिप्ली का भाई अफेयर अभी 3 लोगों के साथ चल रहा है, एक तो डोम डोम है और 2 बंदे हो रहे हैं उनका मैं नाम नहीं जानता। तो आप सभी को बता दूं कि भाई रिया रिपली बहुत बड़ा चूतिया काट रही है डोम डोम का, या नहीं काट रही है कमेंट करके सभी साथ शेयर करना। भाई डोम डोम इसके बच्चे जैसा लगता है, अभी इसकी एज कितना होगी और रिया रिपली पता नहीं कितने की होगी, भाई मेरे हिसाब से तो बहुत एज की है। उसके बाद आती है अपनी बैंगा बेलर, बैंगा बेलर का भाई मेरे हिसाब से ये आता है कि इतना बड़ा बाल भाई किसका होता हुआ, ये नकल बाल लगाती है। आप सभी को पता होगा कि ऊपर इतना बड़ा बाल लगाकर भाई कौन फाइट कर लेगा, ये तो भाई बैंक का पहले ही जानते हो। हाँ आपको बता दूं कि भाई WWE में भाई जितने सक्सेसफुल रेसलर मेंस में नहीं है इतने वोमेंस में हैं, वोमेंस में भाई सभी रेसलर इतने सक्सेसफुल हैं कि भाई सभी देखते रह जाते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बना रखे हैं WWE में। तो भाई बैंक का वेलर भी इनमें से एक आती है। और इसमें उसके बाद आते हैं हमने डेमिन प्रिस्ट और फिनवेलर की फोटो। उसके बाद भाई देखो सेथ फ्रीकन रॉलेंस की क्या ड्रेस है भाई, कितना लंबा कपड़ा है यार, दो लोग तो इसको पकड़ने में लग गए। उसके बाद आते हैं अपने मिज और कोडी रोड्स, अपनी बॉडी को स्ट्रेस से बचाने के लिए या इंजरी से बचाने के लिए उसको टाइट करके जाते हैं भाई, ऑब्वियसली सभी रेसलर ऐसा करते हैं। उसके बाद भाई इतना देख आप सभी ने देखा होगा कि रोमन रेंस की आधी बॉडी पर टैटू है और जेउसो ने भाई अपने पूरी बॉडी पर टैटू बनवा लिया। तो आपका इस पर क्या राय है भाई, जेउसो ने अपने बारों को स्प्रे कर रहे हैं जेउसो, ये सब रेसलर इसलिए करते हैं कि भाई वो फाइट के टाइम उनका दिमाग ठंडा रहे। भाई पॉल हेमन भाई मेरे हिसाब से तो भाई रोमन रेंस के साथ अच्छे लगते हैं, ज़्यादा ब्रॉक लेसनर के साथ अच्छे लगते थे, कमेंट करके सभी साथ शेयर करें। और भाई जेउसो का टेंटू देखो आप, जेउसो ने पूरी बॉडी पर टेंटू बनवा लिया है, हालांकि अभी रोमन रेंस की आधी बॉडी पर टेंटू भाई, पर जेउसो ने अपनी पूरी बॉडी पर टेंटू बनवा लिया है। उसके बाद आती है अपनी न्योस्का है, न्योस्का वोमेन WWE चैंपियनशिप के लिए जो जजमेंट डे के लिए जानी जाती हैं, तो ये इतनी खुश हैं भाई, पता बहुत खुश हैं। और बेली को भी पुश नहीं दिया जाए WWE में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।